एनएस पर 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट करना। यदि आपका डॉक्यूमेंट कई पेज का है और आप चाहते हैं कि बुक्स या मैगजीन की तरह आपके डॉक्यूमेंट का नाम हर पेज पर ऊपर या नीचे या दोनों तरफ दिखाई दे, तो इसके लिए आप हेडर और फुटर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस ऑप्शन की विशेषता ये है कि यदि आपने एक बार हेडर या फुटर इंसर्ट कर दिया है तो आपको हर पेज पर आपके चाहे अनुसार नाम दिखाई देगा। और यदि आप चाहते हैं कि बुक्स या मैगजीन की तरह ही आपके डॉक्यूमेंट में भी पेज नंबर दिखाई पड़े, तो वो आप पेज नंबर ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन ऑप्शंस का उपयोग कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ब्लॉक में जाएं और हेडर ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह की हेडर स्टाइल्स दी हुई हैं। इनमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद आए आप उसे चुन सकते हैं। हम ये ब्लैंक स्टाइल चूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट हेडर के रूप में हर पेज पर चाहिए वो डालें। हमने यहाँ डाला एमएस वर्ड 2016। अब यदि आप फुटर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू फुटर ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पेज के बॉटम में आपको जो भी फुटर देना हो वो दे दें। हमने यहाँ पर PTO टाइप किया है। अब पेज पर कहीं पर भी डबल क्लिक करें। इस पेज पर हमने जो हेडर और फुटर डाले हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम अगले पेज पर चलकर देखते हैं। ये देखिए, अगले पेज पर भी हेडर और फुटर आ गए हैं। अब मान लीजिए आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप हेडर बदलना चाहते हैं या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें और जो भी चेंजेस आपको करना हो वो कर लें। ये हमने अपना हेडर चेंज कर दिया है। आप चाहें तो हेडर में डेट और टाइम भी डाल सकते हैं। इसके लिए जिस स्थान पर आप डेट और टाइम डालना चाहते हैं वहां पर क्लिक करें और इसके बाद डेट एंड टाइम ऑप्शन पर क्लिक करें। एक विंडो ओपन होगी, इसमें आपको डेट और टाइम के अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। इनमें से आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहें ले लें, उसको सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए, यहाँ पर डेट और टाइम दोनों आ गए हैं। इसी तरह आप हेडर में एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो वो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहले पेज पर अलग हेडर चाहते हैं और बाकी के पेजेस पर अलग हेडर देना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब यहाँ फर्स्ट पेज पर आप जो भी हेडर देना चाहते हैं वो डाल दें। अब ये हमारे फर्स्ट पेज का हेडर हो गया है, हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर। और बाकी के पेजेस पर पूर्वानुसार हमारा हेडर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। अगला ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर ऑड पेज पर हेडर अलग हो और इवन पेज पर हेडर अलग हो, मतलब आमने सामने के पेजेस में एक पेज पर अलग हेडर हो और दूसरे पेज पर अलग हेडर हो, तो उसके लिए डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पर क्लिक करें। अब आप ऑड पेज पर जो हेडर डालेंगे वो ही हेडर सभी ऑड पेजेस पर आएगा और जो हेडर इवन पेजेस पर डालेंगे वो सारे इवन पेजेस पर आएगा। यहाँ पर ऑड पेज पर हमने हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर ये हेडर रखा है और इवन पेज पर MS Word 2016। अब हम देख लेते हैं कि आगे
ये ऑड पेज पर हाउ टू यूज हेडर एंड फुटर हेडर आ गया और इवन पेज पर एमएस वर्ड 2016। अगर आपको हेडर फुटर का फॉर्मेट चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हेडर पर क्लिक करें। अब यहां से ये जो भी आपको स्टाइल दिख रही हैं या अलग फॉर्मेट्स दिख रहे हैं इसमें से जो भी चाहिए हो वो आप चुन लें। ये यहाँ पर हमारा चुना हुआ फॉर्मेट आ गया है। इसमें हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल डाल सकते हैं और आगे इसमें डेट का ऑप्शन है तो यहाँ पर हम डेट डाल सकते हैं। ये हेडर का फॉर्मेट चेंज हो गया। यदि आपको हेडर और फुटर नहीं चाहिए तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हेडर और फुटर के ब्लॉक में जाकर के डबल क्लिक करें और उसे डिलीट कर दें। ये हेडर और फुटर दोनों डिलीट हो गए हैं। हेडर एंड फुटर ब्लॉक में अगला ऑप्शन है पेज नंबर। यदि आप डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें कुछ सब ऑप्शंस हैं। यदि आप टॉप ऑफ पेज ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पेज के टॉप में नंबर इंसर्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। उसी तरह बॉटम ऑफ पेज में जाने पर आपको पेज के बॉटम में पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। हम पेज के टॉप में राइट साइड में पेज नंबर डालना चाहते हैं उसके लिए हमने ये ऑप्शन चुना। ये देखिए पेज के टॉप में राइट साइड में पेज नंबर इंसर्ट हो गया है। अब आगे आप जितने भी पेजेस पर जाएंगे आप देखेंगे उन सभी पर पेज नंबर्स आ गए हैं। अब अगर आप पेज नंबर की जगह चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पेज नंबर में जाकर के रिमूव पेज नंबर्स पर क्लिक करके इसे हटा दें। मान लीजिए हम पेज के बॉटम पर पेज नंबर चाहते हैं तो इस पर माउस रख करके इसमें से जो भी स्टाइल हमको चाहिए वो हम चुन लेंगे। हम बॉटम में सेंटर में पेज नंबर चाहते हैं इसलिए हमने ये स्टाइल चुन ली। ये देखिए पेज नंबर अब बॉटम पर आ गया है और ये इस तरह सारे पेजेस पर आप देख सकते हैं पेज नंबर बॉटम सेंटर पर आ गए हैं। यदि आप पेज नंबर्स के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं यानी आप चाहते हैं कि 1, 2, 3 इस तरह से नंबर्स की जगह पर ABCI या फिर रोमन लिपि में पेज नंबर लिखे हुए आए उसके लिए पेज नंबर ऑप्शन में जाकर फॉर्मेट पेज नंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहां से जो भी फॉर्मेट चाहे उसे चूज करके ओके पर क्लिक कर दें। क्योंकि हमने नंबर्स बॉटम में डाले हुए थे तो यह बॉटम में फॉर्मेट चेंज होकर के पेज नंबर आ गए हैं। एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा हेडर फुटर और पेज नंबर इंसर्ट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।